इसलिए कल भी स्वागत और समारोह करेंगे आप उनका भाजपा करके उनका स्वागत करें सम्मान करें। कल भी स्वागत और समारोह करेंगे आप उनका भाजपा करके उनका स्वागत। रितेश कसौदा जी और पास गांव से श्री विनोद कसौदा जी तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो तो आप कृपया से पर उपस्थित होने का कष्ट करें। रितेश कसौदा जी और विनोद कसौदा जी बात गांव देखिए कार्यक्रम अभी युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन के साथ ही चलना है। और देखे ये बहुत ही गौरव की पल होती है कि जब अपने बीच के अतिथियों का आगमन हो। देखिए जब हमारे घर में एक मिनट आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जब हमारे घर में किसी अतिथि का आगमन होता है तो हम अपने कमरे को सही करते हैं कि कोई अतिथि आ रहा है और अतिथि देवो भाव कहा जाता है यानी देव तुल्य तो देवताओं की श्रृंखला प्रदान की गई जो आज हमारे यहाँ पर मंच पर विराजमान है हमारे अतिथि का। तो जब हमारे घर कोई अतिथि आता है तो हम अपने कमरे को सही करते हैं, इससे भी बड़े हमारे अगर मोहल्ले में कोई बड़ा अधिकारी आता है तो अपने मोहल्ले की सजावट करते हैं। लेकिन आज सदन में स्वयं अतिथि के रूप में भगवान उतरे हैं तो हम अपने दिलों को थोड़ा साफ करें। एक बार जोर का तालियों के साथ इन अतिथियों के तालियों का समागम का मुझे फैलाव बनना चाहिए। तब मैं कहता हूँ जिस और जमाना चलता है उस और जवानी चलती है, उनसे कभी संसार लेकर बैठे मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तब मैं कहता हूँ मुश्किल ऑपरेटर से निवेदन है कि साउंड मॉनिटर को थोड़ा सा सौर टेस्ट करें। मैं कहता हूं कि मुश्किल नहीं होनी चाहिए क्योंकि कहते हैं कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं और सच्चे दिल से कहा ना होती किसी चीज को तो सितारे बोलते हैं सितारे हैं कि वो माया सितारे हैं सितारे का सितारे। इसके लिए मैं हमेशा आशा और आशा आशा की हमेशा रहूंगा ऐसा ज्ञान का मुख्य समुदाय का जन समुदाय का देख लेना तो देख ले लो ये मेरा सौभाग्य है अति सौभाग्य होगा। और मैं इसी के साथ इसी के मैं मैडम बहुत बैठी है मैं जानती हूँ आपका समय भी देख सकती हूँ लेकिन आपको सुनने के लिए बुरा का इंतजार करना तो बता दूंगा। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि और लोग
विनोद गुप्ता जी जिन्होंने तो यहाँ के अध्यक्ष हैं और जिनके जिन्होंने मुझे Thank you.
Thank you.
सीमा कसौदर जी, सीमा कसौदर जी उनका डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 1992 इसके बाद युवा परिषद सम्मेलन में वैष्णव जी अपने परिवार के साथ यहाँ पर
और ये देखिए बहुत ही प्यारी सी गोटी है हमारी मेयर माननीय मिसेस गोटी की महोदया के माध्यम से मुझे भोजन से जुड़े पद्धति के बीच हो रही है। मैं थोड़ा बिट आपको भरी हुई सूचना चंदा कहना चाहूँगा आपको भी पहला नहीं हो और आपने छाटा में भी बेटी से लेकर के महिला बनने तक का दर्द नहीं होता है और आप आज वहां से लेकर के पढ़ाई को बार करते हुए एक कदम की पहुंची के समाज में आप मार्गदर्शन का स्रोत है। हमें तो बहुत करते हैं कि अगर हमने गुजरात होती है महात्मा गांधी का उद्देश्य उनका मार्गदर्शन का हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। बेटियों को तो गरीब होने की जिम्मेदारी आपने बताया कि महिलाएं कहां से बेटियां वर्ष की भोज की होती है बेटियां स्पर्श अगर दूसरा हो तो होती है बेटियां राशन करेगा बेटा तो एक भी दूर करो राशन करेगा बेटा तो एक भी दूर करो लेकिन की लाज होती है आज तक पूरे परिवार में रहती है माता की मर्यादा और उसका माया बन के रहती है और जब हम पूछता कि
अगर आप मंच पर रहेंगे तो मुझे उधर की बात रहेगी।